तकरीबन जब मैं क्लास 5th-6th में थी और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रेलवे स्टेशन पे रात के 12 बजे ट्रेन का इंतजार कर रही थी क्योंकि हम सभी को जाना था नानी के घर। 11 बजने वाले थे और उस वक्त मैं झपके वाली नींद से पूरी नींद में आ नहीं पा रही थी कि अचानक से मम्मी मुझे जगाती है और कहती है ये देखो। और जब मैं नींद से उठती हूँ और मैं अपने आंखों के सामने देखती हूँ कि वो रेलवे स्टेशन पर लोडिंग वाली गाड़ी जो होती है उस पर एक आदमी है और वो खून से लथपथ है, उसके दोनों टांगें कट चुकी हैं, तो ये विजुअल देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ। हालांकि मम्मी का ये विजुअल दिखाने का मकसद ये था सिर्फ कि अभी जो कुछ देर पहले ही ट्रेन गई उस ट्रेन पर ये आदमी जो है चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसके दोनों पैर कट जाते हैं। तो मम्मी ये बताना चाहती थी कि कभी भी चलती ट्रेन पर ना ही चढ़ना चाहिए और ना ही चलती ट्रेन से कभी भी उतरना चाहिए, लेकिन ये विजुअल आज भी मेरी आंखों के आगे घूमता है। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ और साथ ही साथ बहुत सारी बातें भी बताऊंगी, लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले आप सभी को विश ए वेरी हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। मैं हूँ राखी खोसला, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेल्पिंग पीपल। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है हमारी लाइफ में जिसको हम ना चाहते हुए भूल नहीं पाते हैं और बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें भी होती है, वो बहुत ही अच्छे पल भी हमारे जीवन में आते हैं जिन्हें हमेशा के लिए गुड मेमोरीज के रूप में संजो कर रखना चाहते हैं। और ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है जब उन लम्हों में जिए होते हैं, हम उन क्षणों में जिए होते हैं और उसे अपने आईज के कैमरे जो हम जिसे हम नेचुरल आईज कैमरा कहते हैं उसे कैप्चर करके उसे अपने माइंड में स्टोर कर लेते। तो ये थे हमारे नेचुरल आईज कैमरे की बात, लेकिन हम हर दिन हर पल हर सेकंड के क्षण को अपने माइंड में स्टोर नहीं कर रख सकते, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी आर्टिफिशियल कैमरे की। और इस आर्टिफिशियल कैमरे का इस्तेमाल आज हर एक बच्चा कर रहा है, चाहे बटन वाला फोन यूज करके कर रहा हो, चाहे वो डिजिटल कैमरा यूज करके कर रहा हो, चाहे वो स्मार्टफोन यूज करके कर रहा हो, हर किसी के हाथ में आज कैमरा है। तो कैमरे का आविष्कार किसने किया, आइए फटाफट जान लेते हैं और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई। इतिहासकारों के मुताबिक कैमरे को बनाने में बहुत सारे वैज्ञानिकों का हाथ है, लेकिन कैमरे के आविष्कार का आइडिया जिनके माइंड में आया उनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। और इसके साथ ही कैमरे को लेकर कई प्रयोग शुरू हो गए, फिर धीरे धीरे और बेहतर एक्सपेरिमेंट कर सुविधायुक्त कैमरे बनाए जाने लगे और इस तरह कैमरे से निकलने वाली फोटो में भी सुधार होता गया। 1834 में टेलबॉट ने लाइट से सेंसिटिव पेपर का आविष्कार किया जिससे खींचे गए चित्र को स्थायी रूप से रखने की सुविधा प्राप्त हुई। और 1839 में जोसेफ नाइस फॉर और लुइस डोंगरे ने फोटोग्राफी प्रोसेस ढूंढ निकाला। इसके बाद फ्रांसीसी वैज्ञानिक आर्गो ने 7 जनवरी 1839 को फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के लिए एक रिपोर्ट तैयार की और उसे फ्रांस सरकार के समक्ष पेश किया जिसमें फोटोग्राफी की पूरी प्रक्रिया का वर्णन था। फ्रांस सरकार ने रिपोर्ट को देखकर फोटोग्राफी की दुनिया में शानदार भविष्य को देखते हुए इसे खरीद लिया और इसके कुछ महीने बाद 19 अगस्त 1839 को फ्रांस सरकार ने आम जनता के लिए इसके मुफ्त उपयोग का लाभ दिया। इसी खुशी में हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। अगर आधिकारिक तौर पर देखें तो इस दिन की शुरुआत 2010 में यानी आज से 10 साल पहले हुई थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया के एक फोटोग्राफर ने खास बना दिया था। उसने अपने साथी फोटोग्राफरों के साथ मिलकर इस दिन इकट्ठा होने और दुनिया भर में इसके प्रचार प्रसार के लिए फैसला लिया। इसी दिन यानी 19 अगस्त को ही उन्होंने 270 फोटोग्राफरों की फोटोग्राफी को पहली ऑनलाइन गैलरी के जरिए पेश किया और अब ऑनलाइन फोटोग्राफी गैलरी में बड़ी संख्या में फोटो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है। आज फोटोग्राफी का हुनर पूरी दुनिया देख रहा है, बस जरूरत है अपने नेचुरल आईज कैमरे से देखी हुई चीजों को आर्टिफिशियल कैमरे में कैद करने की और हमेशा के लिए उसे संजो कर रखने की। फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात, अगर आपसे मैं कहूँ कि आप अपनी नजर से बता सकते हैं कि आपको अपने हिसाब से कौन सा फोटोग्राफर सबसे बेस्ट फोटोग्राफी करता है, या आप दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हैं कि भारत का बेस्ट फोटोग्राफर कौन है, और मुझे लगता है कि मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट या फोटोग्राफी का शौक रखने वाले क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।